खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खबर 7C न्यूज चैनल में। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए ले चलते हैं सीतापुर में और देखते हैं पुनीत यादव की। नैमिषारण्य की तपोभूमि मिश्रित 84 कोसी परिक्रमा के उपलक्ष्य में आज स्वामी धर्मदेव प्रभाकर यादव पंडाल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दूर दराज से पधारे हुए संत महात्माओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व सीतापुर जनपद के जिलाध्यक्ष सहित तमाम संगठन के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का हमारा जो उद्देश्य है, शैक्षिक क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना। जिस बच्चे को हम लोग हाई स्कूल में सम्मानित करते हैं, वो बच्चा निश्चित प्रयास करता है कि इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो फर्स्ट क्लास पास हो, और उन बच्चों को देख करके अन्य भी बच्चे इस तरफ आकर्षित होते हैं और शैक्षिक क्षेत्र में उन्नत कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो यहाँ दूसरा कार्यक्रम होता है, संत विद्वान लोग यहाँ समाज को जागृत करने का काम करते हैं। पूरे 5 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और मंच से समाज में समाज की दशा दिशा उस पर चिंतन मंथन संत विद्वान करते हैं, जिससे हमारा समाज और केवल यादव समाज ही नहीं, यादव पंडाल इसका नाम जरूर है, यहाँ पे 10,000 लोग एकत्र होते हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोग होते हैं, सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आप लोग कितने दिनों से कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं जी? कितने दिनों से कार्यक्रम करते चले? ये 71वां कार्यक्रम है। आज के 71 वर्ष पूर्व हमारे समाज के पूर्वजों ने, जिसमें प्रथम नींव जो रखी स्वामी धर्मदेव प्रभाकर जी ने, इस पंडाल को चलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। उसके बाद तमाम हमारे संतों ने, पूर्वजों ने इसको अपने खून पसीने से सींचा है और आज ये स्वामी धर्मदेव प्रभाकर यादव पंडाल इतना विशाल रूप ले चुका है। इनमें तमाम संत महात्माओं का योगदान रहा है। थैंक यू। क्या मुख्य उद्देश्य है यादव महासभा के कार्यक्रम जी? आज का जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे गैर राजनीतिक एक सामाजिक संगठन अखिल भारतवर्ती यादव महासभा का ये संगठन है, जिसका ये महासभा पंडाल महासभा के माध्यम से यहाँ हुआ है। ये आपकी जो मिश्रिक है, बहुत ही पौराणिक धार्मिक नगरी है, यहाँ के एक अलग इतिहास है। तो हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश में महासभा के लोग, हमारे यादव समाज के लोग एकत्र हों, एकत्रित हों और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने काम करें। साथ साथ हमारा जो सामाजिक उत्थान है, शैक्षिक क्षेत्र में है, व्यवसायिक क्षेत्र में है और इन सारे क्षेत्रों में आगे बढ़कर के फैलें। आज हमारे जो मेधावी छात्र आए, जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनके उत्साह वर्धन के लिए हमारे जिला यादव महासभा के सुरेश यादव ने, तमाम के साथियों ने उनको प्रोत्साहन के लिए एक जो पुरस्कार दिया है, प्रशस्ति पत्र दिया है, वो अपने आप में एक अनूठा काम है। इस तरह काम होना चाहिए ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले और जो देखते हैं इस तरह की, वो समझें कि अगर हम ऐसा करेंगे हमें वैसा सम्मान मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो हमारे